कांग्रेस पार्टी के आह्वान के बाद सोनिया गांधी के संसदीय क्षेत्र रायबरेली की अगर राजनीति की बात की जाए तो यहाँ पे जो बेरोजगार लड़के हैं उन्होंने 9:09 के लिए शांति प्रदर्शन किया। आप देख सकते हैं कैंडल निकाल करके सही पथ पे हैं जहाँ पे इन्होंने कैंडल मार्च किया है और साथ ही साथ इन्होंने यहाँ पे कैंडल जलाया और सरकार का लगातार विरोध करा। हमारे साथ कुछ बेरोजगार लड़के भी हैं NSU के, आयुष हैं, इनसे हम बातचीत करते हैं कि आखिर पूरे मामला क्या है, आयुष पूरे मामले को लेकर क्या आप लोगों ये विरोध प्रदर्शन आप लोग कर रहे हैं। जैसा कि आप सब जानते हैं कि इस कोरोना वायरस महामारी के चलते जो सरकार द्वारा लॉकडाउन लगाया गया उसमें लगभग 1 करोड़ लोगों की नौकरियां चली गई। साथ में इस कोरोना वायरस महामारी को लेकर सरकार के पास उनकी क्या योजनाएं हैं, जो ये बेरोजगारी दिन पर दिन बढ़ती जा रही है उसको लेकर हम लोगों ने 9:09 पर एक सांकेतिक विरोध प्रदर्शन सरकार के लिए हमने 9 मिनट मोमबत्तियाँ जला के सरकार का विरोध करने के लिए सोचा है। हमारे साथ में कई बेरोजगार साथी भी यहाँ आए हैं जिनकी भर्तियाँ कोर्ट में फंसी हुई हैं और सरकार अगर चाहे तो उन नौकरियों को फाइनल करने के बाद सारे एग्जाम कराए, लेकिन सरकार परीक्षाएं कुछ कोरोना काल में कराते चली जा रही है और जो नौकरियां अटकी हुई हैं उनके लेकर उनके पास कोई भी योजना उनको लेके नहीं है कि उनको फाइनलाइज किया जाए और जो छात्र बेरोजगार घूम रहे हैं उनको नौकरियां दिलाई जाए। हमारे साथ कई बेरोजगार साथी हैं, आप जैसे भैया आए हैं हमारे साथ, ये 69,000 नौकरियों का जो कोर्ट केस फंसा हुआ है उसे आप इनसे जानकारी। देखिए जो बेरोजगार लोग हैं आज सांकेतिक प्रदर्शन है लगातार, सबसे पहले तो मैं RSS से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि आप हमारी आवाज़ बनकर लोगों का गुजार रहे हैं। तो तमाम भर्तियाँ हैं जिसपे सरकार ने मतलब तमाम फॉर्म भरवाए, जैसे NTPC का फॉर्म भरवाया, इसका अभी तक जल्दी जारी हुआ है, जिसका डेट जारी हुई है वो भी जब उन्होंने प्रदर्शन किया ताली और थाली बजाकर या फिर आप जो भी कह लीजिए, तो वो 2 साल से लटका हुआ था। 69,000 शिक्षक भर्ती के बारे में बात कर लेते हैं तो ये भर्ती 2019 में आती है और 2018 में विज्ञापन था, 2019 को हम लोग इसकी परीक्षा देते हैं। अभी तक इस भर्ती कोर्ट में ही ये चल रही है, अभी तक इसका कोई निराकरण नहीं हुआ है। दूसरी बात ये है कि लगातार सरकार जो है बेरोजगारी के मुद्दे में कभी नहीं मिलती है, सरकार अन्य मुद्दे तमाम जो बेबुनियाद मुद्दे हैं उस पर वो लगातार अपनी आवाज़ उठाई, लेकिन जो हम लोग का युवा वर्ग का बेरोजगारी अन्य मुद्दा है उस पर कभी उनके पक्ष नहीं रखती है। तो इसीलिए इसी के में आज हम लोग 9:09 और सरकार के खिलाफ, सरकार के ही बताए रास्ते पर, सरकार के द्वारा ही बताए रास्ते पर मोमबत्ती जला के उनके खिलाफ लोग मीटिंग कर रहे हैं, शांति प्रदर्शन कर रहे हैं और बस कहना, 2 लाइन कहना चाहते हैं कि द्वंद शुरू हो चुका है, बिल्कुल बच चुका है और जिसे आप मरा हुआ समझ रहे हैं वो सब चुका। इसी के साथ बस मैं इतना सरकार से निवेदन करना चाहूँगा कि जो भी मुझे बेरोजगारों की मेरी खुशी है उसको जल्द से जल्द आप डेट क्लियर कराइए, उसका परीक्षा जल्द क्लियर कराइए और जो भी नौकरियाँ सरकार को कि आप सब लोग जानते हैं कि मतलब 69,000 शिक्षक भर्ती जो है पिछले 2 साल से कोर्ट में अटकी हुई, सरकार जो है भर्ती नहीं कर पा रही है, IIT JEE की परीक्षा हो जा रही है, BEd की प्रवेश परीक्षा हो जा रही है, ये सब परीक्षा अगर कोरोना काल में हो सकती हूँ तो शिक्षक भर्ती जो 2 साल से अटकी हुई है वो क्यों नहीं हुई? इसलिए क्योंकि इन परीक्षाओं से इनको पैसा मिलने वाला है, बड़े बड़े विधायकों के कॉलेज जो बंद पड़े हैं उससे चलने वाले हैं, लाखों का डोनेशन जो BEd BTEC करने के लिए लोग देते हैं मतलब बच्चे, उनसे उनका पैसा इकट्ठा होने वाला है, उनसे उनका जो है धन इकट्ठा होगा। लेकिन हम लोगों को 2 साल से बेरोजगार रखा हुआ है, जब भी कोई पूछता है क्या मामला है तो बताते हैं मामला न्यायालय में, मामला न्यायालय में हमारे वजह से थोड़ी सरकार की लाचारियों की वजह से, सरकार की कमियों की वजह से। तो हमारा सभी 69,000 बच्चों की तरफ से यह अनुरोध है कि भर्ती जल्द से जल्द निस्तारण की जाए ताकि हम लोगों को रोजगार मिल सके और आगे भविष्य को जो है सुधर सके। आप क्या कहेंगे पूरे लोगों को? देखिए जैसे हम लोगों ने परीक्षा दी थी 6 जनवरी 2019, उसके बाद से मामला कोर्ट में गया एक पक्ष द्वारा और ये लगातार हाई कोर्ट की सिंगल बेंच, डबल बेंच, सुप्रीम कोर्ट, पर सरकार का पक्ष कहीं क्लियर नहीं हुआ, चाहे वो आप महाधिवक्ता की उपस्थिति को लेकर कहें या सुप्रीम कोर्ट में सॉलिसिटर जनरल की उपस्थिति को लेकर कहें। अब हमारा ऑर्डर रिजर्व है, सारे केस के ऑर्डर आते हैं, हमें न्यायपालिका पे कोई कमेंट नहीं करना चाहता, पर हमारा ऑर्डर लगभग 50 दिन हो रहे हैं इधर पे, उस पर हमारा कोई सुनवाई नहीं, ना सरकार उस पर आगे बढ़ रही है। तो मैं सरकार से इतना कहना चाहूँगा कि अब युवा जाग चुका है, संग्राम नहीं अब रण होगा, संग्राम ठीक है बिल्कुल है, जिस प्रकार संग्राम नहीं अब रण होगा और भीषण युद्ध की तैयारी जरूरी है, लोग बेरोजगार कर रहे हैं, हमारे साथ और भी
बेरोजगार लोग हैं, इससे हम बातचीत करें। भाई साहब, किस प्रकार आज का विरोध प्रदर्शन आप लोगों ने 9:09 निकाला, किस प्रकार सरकार के प्रति विरोध प्रदर्शन आप लोग कर रहे हैं? जैसा कि देखते हैं सरकार जैसा कि मैं 69,000 शिक्षक भर्ती का जो है चयनित अभ्यर्थी हूँ, और यहाँ पे आप देखिए आज जैसे कि मैं आज का ही मामला बताता हूँ, मैं न्यायालय पर कोई टिप्पणी नहीं कर रहा हूँ, लेकिन आप खुद देख सकते हैं कि आज के दिन में जैसा कि कंगना रनौत का मामला था, 1 घंटे में सारी कुछ सुनवाई हो जाती है, आदेश आ सकता है। और हम लोगों का मामला सुप्रीम कोर्ट में लगभग 23 जुलाई या 24 जुलाई को रिजर्व हुआ था, अभी तक जो है उसका आदेश जो है रिजर्व हो गया था, अभी तक उसको जो है डिक्लेयर नहीं किया गया है। आखिर ये जो है देरी क्यों हो रही है? हम लोगों ने एग्ज़ाम 6 जनवरी 2019 को दिया था, आज लगभग 2 साल हो रहे हैं हम लोग ऐसे ही बेरोजगार घूम रहे हैं। तो सरकार इस पे कोई सरकार का ना तो कोई रुख क्लियर है, सरकार का ना कोई कड़ा कदम है इस पे। तो मैं सरकार से निवेदन करूंगा कि जो है कृपया ऐसे 69,000 शिक्षक भर्ती को जल्द से जल्द पूर्ण कराएं, ताकि जो है हमारे सभी जो चयनित अभ्यर्थी हैं उनको जो है नौकरी मिल सके और वो सुचारू रूप से जीवन यापन कर सके। कोरोना काल में जैसे आप देख रहे हैं सभी चीज लगभग बाधित हैं, तो मैं सरकार से निवेदन करता हूँ 69,000 शिक्षक भर्ती को जल्द से जल्द। बिल्कुल, देखिए जिस प्रकार बेरोजगार लड़कों का विरोध प्रदर्शन कहीं ना कहीं सांकेतिक आके हो रहे हैं, यू आई के हमारे साथ क्या कहेंगे पूरे मामले में, जिस प्रकार आपने सांकेतिक विरोध प्रदर्शन करके देखा है? बस हम सरकार से यही गुजारिश करना चाहेंगे कि जो भी हमारे बेरोजगार साथी हैं जिनकी नौकरियां कोर्ट में लंबित हैं, उनकी नौकरियों को जल्द से जल्द पूर्ण कराने के बाद उनको जल्द से जल्द ज्वाइनिंग कराई जाए, और साथ में जिस जो इस कोरोना काल में जो लोग बेरोजगार हो गए हैं जिनके पास कोई जीवन यापन का कोई साधन ही नहीं बचा है, उनके लिए सरकार कोई ना कोई योजना बनाए। यदि सरकार हमारी बात नहीं सुनेगी तो NSUI और पूरी कांग्रेस पार्टी सड़क पर उतरने का काम करेगी और सरकार का पुरजोर विरोध करेगी। जिस प्रकार से आज हम लोगों ने सांकेतिक विरोध किया है, हम सड़क मैं उदयभान चौधरी हूँ। खासकर आप आज की इस पूरी मुहिम को अगर आप देखिए, और अगर आप 5 तारीख की बात करिए, 5 तारीख से जिस तरह से सरकार को युवाओं ने चेताया है और 1 घंटे बाद जिस तरह से रेलवे के परीक्षक उसने तारीख बता दी, ये दरअसल हम युवाओं को भी समझना होगा और उसकी साजिश के पीछे भी जाना होगा। जिस प्रकार से युवाओं को अलग अलग तरीके से बांट दिया जा रहा है, युवाओं की ताकत को जिस तरह से बांटा जा रहा है, ये आज के युवाओं को समझना होगा। जिस तरह से एक परीक्षा की तारीख घोषित कर दी जाती है कि बच्चे अपने कमरों में चले जाएं, अपनी तैयारी में चले जाएं, और जो आज की पूरी तैयारी है युवाओं के सामने पूरा भी भविष्य पड़ा हुआ है, ये मसला केवल 69,000 का नहीं है, ये मसला पूरे भविष्य का है और आने वाली जनरेशन का भी है। जिस तरह से चीज़ों का निजीकरण किया जा रहा है, रेल को बेचा जा रहा है, BSNL को बेचा जा रहा है, LIC को खतरे में डाला जा रहा है, पूरी देश की सार्वजनिक संपदा को खतरे में डाला जा रहा है, निजी हाथों में सौंपा जा रहा है, उस पूरी मुहिम के खिलाफ नौजवानों का एक जत्था, मुझे लगता है एक आंदोलन करने की जरूरत है। ये केवल एक किसी भर्ती का मामला नहीं हो सकता है, ये पूरे की पूरी देश की सार्वजनिक संपत्ति को बचाने का सवाल है, और इस पूरे सवाल को लेकर मुझे लगता है जितनी भी राजनीतिक पार्टियां हैं, और आप देखिए एक तरफ जिस तरह पूरे देश में सब तरफ कोरोना काल का बहाना लेकर के जिस तरह मोदी सरकार सारी चीजों को भेज देने पर आमादा है, और उस पूरी चीज को लेकर आप देखिए राजनीतिक पार्टियों में जो सन्नाटा है, मुझे लगता है कि चाहे सपा हो, बसपा हो, कांग्रेस हो, पूरी पार्टियां जिस तरह से मौन धारण किए हुए हैं, मुझे लगता है ये सभी राजनीतिक पार्टियों का मौन टूटे और निजीकरण के सवाल पे आंदोलन चला पूरे देश के अंदर। जिस तरह से गांधी जी ने दांडी मार्च शुरू किया था, आज जरूरत है देश में नौजवानों के सामने ऐसी एक मार्च निकालने की। और आप लोगों को मैं बता देना चाहता हूँ, 28 सितंबर भगत सिंह की जयंती के दिन इलाहाबाद से लखनऊ चल करके एक नौजवानों का युवा स्वाभिमान पदयात्रा शुरू होने जा रहा है, और ये लखनऊ इलाहाबाद से चल करके लखनऊ तक पैदल मार्च होगा। रायबरेली में उसके 5 स्टॉपेज हैं। इसी सवाल पे शिक्षा स्वास्थ्य की बेहतरी के लिए, जहां हमारे लिए अस्पताल की आवश्यकता थी, मोदी जी वहां पे राम मंदिर के पीछे परेशान थे, मंदिर जरूरी है या फिर हमारे लिए अस्पताल जरूरी है, ये एक सवाल होना चाहिए युवाओं के लिए। हमारे लिए शिक्षा जरूरी है या दारू के ठेके? अभी स्कूलों को नहीं खोला गया है, कोचिंग सेंटर को नहीं खोला गया है, और दारू के ठेके कोरोना काल में पहले से खोल दिए गए हैं। तो ये सारे जो सवाल हमारे सामने हैं, युवाओं के सामने एक चैलेंज के रूप में है। मैं चाहता हूं कि इन चैलेंज को सरकार देखे, और जो हमारी भी जितनी भी राजनीतिक पार्टियां हैं, कोई भी पार्टी हो, मैं उसका नाम नहीं लेना चाहता हूं, इन सब एक मुहिम में आओ, जो मौन व्रत धारण किया, मौन व्रत छोड़ कर एक आंदोलन में आए। ठीक है, जिस प्रकार की युवा है आज जो सांकेतिक विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं लगातार, कोरोना काल के दौरान जो भी रोजगार लोग थे वो भी बेरोजगार हो गए, तो कहीं ना कहीं युवाओं के अंदर बड़ा जरूर है, और जिस प्रकार इनकी भर्ती कोर्ट में चली जाती थी, कहीं ना कहीं इसको लेकर के भी काफी परेशान है, और लगातार सरकार से मांग कर रहे हैं, और आज सांकेतिक
इन्होंने प्रदर्शन किया। अगर ये कहावत कही जाए कि युवा बेरोजगार है और लगातार युवा बजाओ ताली क्योंकि युवा बैठा है बेरोजगार, अगर ये कहा जाए तो कहीं ना कहीं ये गलत नहीं होगा। केशवानंद शुक्ला, आर एक्सप्रेस, रायबरेली।